राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह का आगाज भीषण ब्लास्ट के साथ हुआ। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास सुबह 7:30 बजे के करीब भयंकर धमाके की आवाज आई और इसके ठीक बाद लोगों ने आकाश तक उठता धुएं का एक सफेद गुब्बार देखा। धमाके की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इलाके में बदबू फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। राहत की बात यह है कि इस ब्लास्ट में ना कोई घायल हुआ है और ना ही जान माल की हानि हुई है। धमाके की प्रारंभिक जांच में इसे डायरेक्शनल ब्लास्ट माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो विस्फोटक सामग्री को इस प्रकार से लगाया गया था कि उसके रिफ्लेक्टिव प्रेशर से शॉक वेव उत्पन्न हो, जिससे आसपास के इलाकों में नुकसान पहुंचा। जांचकर्ताओं के अनुसार ऐसे मामलों में ठोस या फिर तरल विस्फोटक सामग्री बहुत गर्म, सघन और उच्च दबाव वाली गैस में परिवर्तित हो जाती है। विस्फोटक के बाद ये गैस बेहद तेज गति से फैलती है, जिससे हवा में एक शक्तिशाली शॉक वेव पैदा हो जाती है। ये शॉक वेव आसपास के इलाकों में सुपरसोनिक स्पीड से फैलती है और भारी नुकसान का कारण भी बनती है। यही वजह है कि धमाके के बाद इलाके की इमारतों और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। इसके साथ ही सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में भी दरार देखी गई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शरारती तत्वों का उद्देश्य सिर्फ सरकार को बताना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक मैसेज देना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर संदिग्ध को जानमाल का नुकसान करना होता तो विस्फोटक के साथ कीले, बॉल बेयरिंग, पेचकस और लोहे की गोलियां होती, मगर विस्फोटक वाली जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। दूसरा ये कि छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को धमाका नहीं किया होता। हालांकि विस्फोटक की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, जिसका असर इससे दूर 30 से 35 फीट तक देखा गया है। बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जल्द ही मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर भी किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच भी कर रही है। मौके पर पहुंची एजेंसियों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और वहां की मैपिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि धमाका करने वालों की पहचान की जा सके। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस से घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी गई थी। इसमें काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। मौके से धमाके के बाद किसी तरह का कोई भी मेटल जैसी चीज नहीं मिली, कोई बॉल बेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं मिले हैं। बम कैसे ट्रिगर हुआ, इसकी जांच भी पुलिस टीम कर रही है। धमाका देकर किसी तरह के मैसेज देने की बात बताई जा रही है। जहां धमाका हुआ है वहां कुछ दुकानें भी हैं, जहां आमतौर पर भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बम नहीं रखा गया है और सीआरपीएफ स्कूल की दीवार का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि धमाका केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ है, जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता देखा गया। धमाके की वजह से स्थानीय लोग घबराहट में आ गए हैं और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और घरों के शीशे चटकने की भी जानकारी सामने आई है। इस धमाके के बाद मौके पर एक दीवार से सफेद पाउडर का अवशेष भी मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नामक चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। ये कार्रवाई रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद की गई है। बता दें कि कल शाम इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया है, जिसमें इस विस्फोटक की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि टेलीग्राम की तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई भी जवाब नहीं मिला है। रोहिणी ब्लास्ट की जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर एंगल से अपनी जांच कर रही है। बता दें कि रविवार सुबह 7:30 बजे के करीब जब दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, तो इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके लगभग 20 मिनट बाद ही जैसे जैसे एरिया में बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों का पहुंचना शुरू हुआ, तो फिर इस मामले ने और भी चिंता बढ़ा दी। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और मकसद क्या था, लेकिन इस ब्लास्ट ने त्योहारी सीजन में माथे पर बला ला दी है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, लेकिन इस घटना में कोई भी हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद किया गया है और जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी कि रहस्यमय धमाका करार दिया है।
जांच एजेंसियों ने धमाके को इसलिए मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा है क्योंकि मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या फिर कोई भी मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बरामद किया गया है। अब ये सवाल है कि फिर विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। तो आपको बता दें कि इस बात की भी जांच अभी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ब्लास्ट साइट के आसपास के कई किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है जिससे जानकारी मिल सके कि बम किसने रखा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।